नमस्कार, नोवल कोरोना वायरस से बचने के लिए पिंच को सब्सक्राइब करें और घर पे रहें। देख, तेरे लिए डिग्री इम्पोर्टेंट है, बट मेरे लिए दोस्त डिग्री से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और सुन, वो पैसे ले आना मेरे। खैर, ये बता, तेरी टिकट है कब की? यार, टिकट्स तो अभी कराई नहीं है, जब छुट्टी के लिए अप्लाई करूंगा तब टिकट भी करा दूंगा। मतलब तूने अभी तक छुट्टी नहीं ली? मिल तो जाएगी ना। देख ब्रो, जिंदगी में ना कॉन्वोकेशन सिर्फ एक बार होता है, और कंगना भी तो आ रही है ना, आखिरी मुलाकात समझ के हाय बोल देना। अरे हाँ भाई, मिल जाएगी छुट्टी आसानी से, और वैसे भी तो कॉन्वोकेशन नेक्स्ट वीक है ना। अरे ऐसे कैसे मिल जाएगी छुट्टी? क्या मतलब? मतलब नेक्स्ट वीक डीएम सर का विजिट है, अब 50% अटेंडेंस मस्ट है। आपके टीम में 6 लोग, और जिसमें बॉस का ऑलरेडी हो गया ट्रांसफर, और अग्रवाल जी आज ही आगरा के लिए कूच किए हैं। अब पेठा समेत कब तक लौटेंगे ये तो भगवान जाने। बचे आप और वो 3, अगर किसी एक ने भी पलटी मारी तो आपका पत्ता कट। सर, हाँ, इस टाइम पर बोलो। सर, काम था कुछ। हाँ, जाओ जाओ, फटाफट करो, जाओ जाओ। नहीं मतलब छुट्टी चाहिए थी सर। हाँ, जाओ ना। अरे अरे, जाओ 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 जाओ, आपके सारे काम हम कर लेंगे, बहुत सिंपल है, जाओ जाओ जाओ। नहीं मतलब सर, कुछ इम्पोर्टेंट था इसलिए बोल रहा था सर, वो कॉन्वोकेशन में जाना था, तो अगर आप अपनी छुट्टी कैंसिल कर देते तो। अच्छा 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 अच्छा, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मतलब हम अपनी छुट्टी कैंसिल करवा के तुम्हारे सारे काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज सर, बहुत अर्जेंट। अरे निजी मामला है भाई, हम छुट्टी कैंसिल नहीं कर सकते। कैसा निजी काम सर? अरे जब मामला निजी है तो तुम उसको सार्वजनिक क्यों कर रहे हो? सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मतलब। अच्छा एक काम करो, तुम मिश्रा के पास जाओ, मिश्रा के पास जाओ और उसकी छुट्टी कैंसिल करवाओ। वो कर देंगे, हम कर देंगे, सिंपल सी बात है। कुर्सी कुमार, आज हैं हम। जाइए शुक्ला जी। हाँ हाँ सर, डन। हाँ बोलो। सर वो छुट्टी के लिए मैं भी। खड़े हो? क्या मतलब सर? खड़े हो? इसको कौन अंदर आने दिया जी? जब काउंटर पे जाओ। सर सर सर, मैं न्यू ज्वाइनी सर, रोहन। तो क्या आरती उतारे हैं? न्यू ज्वाइनी है? नहीं सर, बस वो छुट्टी चाहिए था इसलिए आया। देखो, नेक्स्ट वीक हम लड़की देखने जा रहे हैं मधुबनी, समझे? मर जाएंगे लेकिन छुट्टी कैंसिल नहीं होगा। ए इधर देख, फुट यहाँ से चल। सर वो डिग्री का सवाल था सर, वरना मैं। अरे यहाँ जिंदगी का सवाल है भाई, 32 साल उम्र हो गया, बाल झड़ गया, देखो साला चनेल हो गया है, हाथी जैसा तोंद निकल गया है, रात पे सोने जाते तो नींद नहीं आता है। देखो 3 साल पहले कैसे दिखते थे, और अब साला कियारा आडवाणी की उम्र में साला लाल कृष्ण आडवाणी बन गए हैं, और शादी के लिए खखवा ले तो है ये है। अब बताओ भाई, छुट्टी की जरूरत तुमको है कि हमको है, किसको है? सर तो इसके लिए आपको छुट्टी की नहीं, ओवरऑल वेलनेस के लिए आपको मैन मैटर्स की जरूरत है सर। मैन मैटर्स? हाँ सर, मैन मैटर्स बेसिकली एक वेबसाइट है जो कि मर्दों की सारी वेलनेस रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। देखिए, आपको बस manmatters.com पर जाना है, और जाते ही एक असेसमेंट फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते ही आपको डॉक्टर्स की ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद सर आपको कुछ नहीं करना है, सारा आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का वो लोग खुद ही प्रोवाइड कर देंगे सर। चलो यार, मतलब सर एक समस्या का तो निदान तुम खोज के दे दिए हमको सर। लेकिन देखो भाई, 7 साल से डबल बेडशीट अपने बैग में लेके चल रहे हैं, साला खोज रहे हैं मौका कि अब बिछाएंगे, मौके नहीं मिल रहा है डबल बेडशीट बिछाने का। सिर्फ चर्चा की है, गंगा जल से ब्रश किए। अरे रिमझिम ऑर्केस्ट्रा में हम काम करते थे, अनाउंसर थे, हेलो 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 हेलो, वो छोड़ के सरकारी नौकरी के कि शादी हो जाए यार। लेकिन लड़की अभी जाके मुश्किल से मिली है, और तुम बोल रहे हो कि छुट्टी ले लें। तो सर उसके लिए जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई जाएंगे नहीं तो कैसे देखेंगे लड़की को? वीडियो कॉल सर, वीडियो कॉल का जमाना है। अरे यार तुम नवजुबक सबका यही दिक्कत है ना, वीडियो कॉल से शादी ब्याह होता है जी। आप समझिए सर, इम्प्रेस हो जाएगी। देखिए सरकारी जॉब वाले को लोग क्या बोलते हैं, बहुत बोरिंग है, ओल्ड स्कूल है, उनको स्मार्टफोन तक चलाने नहीं आता। तो यही तो मौका है सर, यही मौका है जगजीत सिंह से सीधे हनी सिंह बनने का। लेकिन हमारा फेवरेट तो पवन सिंह है सर। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये सोचिए, वीडियो कॉल से आपके बाल ढक जाएंगे, आपकी तोंद अंदर हो जाएगी, फिल्टर से आपका चेहरा और ज्यादा चमक जाएगा। सोचिए जरा सर, अब मौका आ चुका है सिंगल से डबल होने का। सोच तो नहीं पा रहे हैं,
लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सर अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए तो हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए ना सर। आप अपनी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए ना सर, ताकि हम छुट्टी ले पाए। सर हमको जाना बहुत जरूरी है सर। हाँ अपनी छुट्टी। अरे सुनो यार, ये शुक्ला और पुष्पमप्रिया अपना छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे सर उनका टेंशन छोड़िए, मैं करवा दूंगा सर। आप अपनी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल हो जाएगा ना? पक्का सर, पक्का आप कर देंगे ना? हाँ ठीक है, हम पक्का ना सर। अरे जाओ ना यार। थैंक यू सर, सर पे ही चढ़ जाना है। अरे सर वो मिश्रा जी ने छुट्टी कैंसिल कर दी। तो सर आपने बोला था ना अगर वो छुट्टी कैंसिल कर देंगे तो आप भी कर देंगे? नहीं, पुष्पम जी से पूछे। अरे नहीं सर, उनसे क्यों पूछना? फिर हम कैसे कर दें? नहीं सुनो, लेडीज फर्स्ट। सुने हो कि नहीं सुने? सुना है तो तो जाओ पहले उनसे पूछो। नमस्ते मैडम, सबसे पहले उनका कैंसिल करवाओ, ठीक है? वो कर देंगे, हम कर देंगे, कौन बड़ी बात है, जाओ। मैम तनु, मेरा मतलब आप पे काला चश्मा बहुत जच रहा है मैम। ऐसे फकासी के लिए नहीं लगाए, समझे? मोतिया बिंद हुआ है हमको। नीतीश नेत्रालय में अगले सप्ताह हमारा ऑपरेशन है। अच्छा मैम, वो लास्ट टाइम स्टाम्प पैड के चक्कर में आपका नेल पॉलिश वेस्ट। उसका तुम पहले पैसा निकालो। मैम उसके लिए तो लेकर आए, देखिए ना इतनी सारी नेल पॉलिश। मैम आप तो कह रही थी कि आपको मोतियाबिंद हो गया है, पर आपकी आंखें तो एकदम ठीक है। हाँ तो तुमसे क्या मतलब? नहीं मैम मुझसे कोई मतलब नहीं है, पर पीछे लगे सीसीटीवी को तो मतलब हो सकता है ना। हाँ तो क्या करें, कुछ काम नहीं किए, सस्पेंड हो जाए। मैंने ऐसा कब कहा मैम, और मैं किस दिन काम आऊंगा मैम? हाँ मुझे पता है कि आपकी डेटा एंट्री वाली प्रॉब्लम बची हुई है। एंट्री नहीं, एंट्रीज, प्लूरल्स। अरे हाँ मैम, पर आप समझिए ना, मुझे कॉन्वोकेशन में कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ आप अपनी छुट्टी कैंसिल कर देंगे। खाली मेरी छुट्टी से क्या होगा, मिश्रा जी और शुक्ला जी को भी तो बोलो ना। मैम मिश्रा जी मान चुके हैं और शुक्ला जी उस टाइम मान जाएंगे जब आप अपनी छुट्टी कैंसिल कर देंगे, तो प्लीज़ आप अपनी छुट्टी कैंसिल कर देंगे क्या? चलो ठीक है, लेकिन सुनो ये सारी बातें किसी से कहना। बिल्कुल मैम डन, पर आप मुकरेंगे तो नहीं ना मैम? नहीं नहीं ठीक है, पक्का मैम। मैम यू आर द बेस्ट मैम। मैम थैंक यू सो मच। और नेल पेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर वो मिश्रा जी और पुष्पम प्रिया जी दोनों ने अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी। अरे नहीं क्या बात कर रहे हो? हाँ सर फाइनली। बहुत बढ़िया, गजब चीज है, पीछे पड़ जाते हो एकदम। अच्छा सुनो, एक काम और कर दो। काम? हाँ बताइए। बिल्कुल सर, कैब बुक कर दो। कैब क्यों सर? कैब बुक कर दो, 100% छुट्टी कैंसिल कर दूंगा। पक्का ना सर? पक्का सर। कैब 3 मिनट दूर है, लोकेशन कहाँ की डालू सर? रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन डालो डालो सर। सर सर ये क्या सर, छुट्टी तो मेरी हुई थी ना सर, सर मैं जाने वाला था सर। मैंने बोला था कैब बुक कर दो, 100% छुट्टी कैंसिल कर दूंगा। नहीं सर, तुम्हारी सुना करो बात को। सर ये नहीं सर, सर 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 ए रुक जा रे, भाग रहा क्या? हेलो। हाँ बोल। अरे भाई तेरे अलावा सबने अपनी टिकट्स भेज दी हैं, और कंगना भी इनडायरेक्टली पूछ रही थी कि तू आ रहा है कि नहीं। अरे भैया गलत लोकेशन पे आ गए हैं, थोड़ा आगे। कबीर तू कहाँ पर है? अबे प्रीति से मिलने जा रहा हूँ कैब में। हाँ सर। हेलो। हाँ भैया आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल जवाब मत दीजिएगा। हाँ ये कैब मैंने ही बुक की है, और पीछे जो बैठे हैं वो मेरे बड़े भैया हैं, उनकी ना मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है भैया। वो कभी भी ना ऐसे कैब लेकर कहीं पे भी बाहर निकल जाते हैं, तो आप उनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा भैया, और उन्हें उसे कुशल वापस पहुँचा दीजिएगा। और हाँ भैया वो ना भागने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो गलती से भी बाहर ना निकले, तो अपना गेट और विंडो की चाइल्ड लॉक लगा दीजिएगा, और वो आपको भड़काने की बहकाने की बहुत कोशिश करेंगे भैया, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है। बिल्कुल डरिएगा मत, मैं हूँ ना। अरे चाचा आपका गांव तक छोड़ोगे क्या? स्टेशन तो पीछे रह गया है। अरे अरे अबे स्टेशन पीछे रह गया, कहाँ जा रहा है? सीधे कहाँ जा रहा है? अबे 5 मिनट में ट्रेन छूट जाएगी यार, हफ्ते में एक ही बार चलती है यार। हे गाइस, वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ अपने ओवरऑल वेलनेस के लिए आप manmatters.com के वेबसाइट पर जा सकते हैं और एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपको उनके एक्सपर्ट डॉक्टर फ्री में कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेस करते हैं तो आपको 200 का ऑफ मिलता है 800 के परचेस पर, और आपको नेक्स्ट परचेस के लिए 20% का ऑफ मिलता है। एंड फॉर मोर ऑसम कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू बिंज।